कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा समय में जहाँ पंजाब का प्रत्येक नागरिक अपने अपने ढंग से किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा है, वही मोगा के कार्टून आर्टिस्ट गुरप्रीत कोमल ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर एक कमाल किया। उन्होंने 1.25 मीटर लंबा, 4.5 फीट चौड़ा, 5.25 किलो वजनी झंडा बनाकर उस पर एक हस्ताक्षर मुहिम शुरू करवाई। वह ये झंडा 26 जनवरी से पूर्व सिंगू बॉर्डर तक पहुँचाया जाएगा। वही आर्टिस्ट गुरप्रीत ने बताया कि कई स्थानों से झंडा उनके शहर में और उनके जिले में लाने के लिए फोन आ रहे हैं, जिसके चलते अभी उनका ये कह पाना मुश्किल है कि ये झंडा किस रास्ते से होते हुए सिंगू बॉर्डर तक पहुंचेगा। मोगा से भजन लाल की रिपोर्ट, लाइव भारत। क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह कोमल। गुरप्रीत जी, ये आपने झंडा लगाया, या क्या चीज है जिसके बारे में जानकारी दो? हाँ जी, जो किसानी आंदोलन चल रहा है हमारा सेंटर में चल रहा है, हमारी जो किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं वो संघर्ष, किसानी संघर्ष चल रहा है, उसको समर्पित करके हमने एक बहुत बड़ा झंडा बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा ये झंडा है। इसके बीच में हमने एक जो ये जो देख रहे हैं हरे रंग का ये जो सर्कल लगाया, इसके बीच में 116 किसानों का नाम हमने सुनहरी अक्षरों में लिखा है। ये तो हमने इस एक दस्तखत हस्ताक्षर मुहिम चलाई है, जो आम पब्लिक इसके लिए में अपने अपने दस्तखत करके अपना जो रोजगार कर रही है केंद्र सरकार को बता रही है कि हम लोग ये जो बिल है वो रद्द करवाना चाहते हैं, और किसानी संघर्ष जो कर रहे हैं किसानों को उनको बता रहे हैं कि हम लोग उनके साथ हैं, हम ये बिल रद्द करवा के हटेंगे। हम तो आपके दिमाग में कैसे आया ये करने का? तो ये मुझे लग रहा था कि एक दस्तावेज होना चाहिए जिसके बीच में हम लोग संघर्ष सब लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी जा रहे हैं, मगर तो एक रिटर्न में कोई भी हमारे पास नहीं बन रहा था, तो मैंने एक फ्लैग तैयार किया जिसके बीच में दस्तखत होंगे, वो दस्तखत जो होंगे वो आगे हमारे पास एक इतिहास इसका गवाह होगा, ये जो हम लोग एक प्रूफ रखेंगे। आगे आगे क्या प्लानिंग है? ये झंडा यहीं तक सीमित रहेगा या आगे कहीं जाएगा? ये वाला झंडा यहाँ से हमने शुरुआत की है मोगा शहर से, तो ये हम धीरे धीरे इसको लोगों से और से साइन करवाते हैं, हस्ताक्षर करवा के हम इसको 26 जनवरी से पहले दिल्ली सिंगू बॉर्डर पर हम लेके जाएंगे, और वहाँ पे जो 32 जो हमारी जो नुमाइंदे हैं उसके किसान यूनियन के जो अगुवाई कर रहे हैं, हम उनको जाके बोलेंगे, उनको वहाँ पे फहराएंगे, इसको दिल्ली में फहराएंगे। अभी तक आपकी रिसर्च क्या कहती है, ये झंडा भी आपका रिकॉर्ड बना सकता है? हाँ, रिकॉर्ड क्यों नहीं है, ये किसानी संघर्ष अपने आप में ऑलरेडी रिकॉर्ड है, इतना शांतमयी इतना बड़ा संघर्ष ये जो बना हुआ है, तो ये संघर्ष का ये हिस्सा है, ये झंडा इतना बड़ा है, ये भी एक रिकॉर्ड है, इसके बीच में लाखों की तादाद में इसमें जो हस्ताक्षर होने हैं, 375 इसका जो साइज है, 27.5 मीटर इसकी लंबाई है, 4.5 फीट इसकी चौड़ाई है, और 5.25 किलो इसका वजन है, ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है, इतने हस्ताक्षर किसी झंडे पे आज तक दुनिया में कभी दिए नहीं है। अगर आपके रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहले आपने क्या क्या रिकॉर्ड बनाया जी? इससे पहले मैंने 2005 में डिप्टी कमिश्नर सरदार मनजीत सिंह सिद्धू की हाजिरी में मैंने वहाँ पर उनकी प्रेजेंस की, एक सुई के नखारे के में उसमें से हमने एक पूरे का पूरा कपड़े का खान निकाला था, जिसमें आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हमने एक मैसेज दिया था लोगों को। तो इसके साथ साथ में मेरा वो 2007 में लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड, तमाम बुक्स में हमारा नाम दर्ज हुआ। उसके बाद में मैंने एक दुनिया का सबसे बड़ा पेंटिंग ब्रश बनाया था, वो भी हमने मेरा 2012 में दर्ज हुआ, मेरे बेटे का नाम 2011 में दर्ज है। तो ऐसे हम तमाम कारनामे अक्सर करता रहता हूँ मैं, तो इसके साथ साथ में ये वाला भी रिकॉर्ड बनेगा, जिनका बुक ऑफ रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसकी एंट्री होगी। सरबजीत जी, आपके हस्बैंड ने झंडा बनाया, उसके बारे में जानकारी दो, क्या है ये सारा? ये हमने झंडा बनाया है किसानों के आंदोलन को ध्यान में रखते हुए, इसमें ये विश्व का सबसे बड़ा झंडा बनाया है, इसकी लंबाई जो है 7.25 मीटर और इसकी चौड़ाई 4.5 फुट है, और इसका जो वेट है वो 5.25 किलो है। तो आपको कैसा लग रहा है जब झंडा बनाया, या ये ख्याल आया? ये ख्याल हमें ऐसा आया कि जो लोग तो वहाँ बैठे हैं वो तो इस संघर्ष का समर्थन कर ही रहे हैं, जो लोग वहाँ पे नहीं जा रहे उनके हम सिग्नेचर लेके इस झंडे के ऊपर ये हम वहाँ दिल्ली तक पहुँचता करेंगे, और सरकार को ये अपील करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नेचर लेके
लोगों के कि वो इस काले कानूनों को रद्द करने की रद्द करें इसको। मेरा नाम अश्मीत कौर है और मैं प्लस वन में पढ़ती हूँ। अश्मीत जानकारी दो, जो आपके पापा ने झंडा बनाया। मेरे पापा ने सवा सताई फुट लंबा और 4.5 फुट चौड़ा एक झंडा बनाया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झंडा है। इसमें हम लोगों के हस्ताक्षर करवाएंगे ताकि हम इन तीन काले कानूनों के खिलाफ अब सरकार को क्लियरिटी दिखा सकें कि हमें ये तीन काले कानून मंजूर नहीं है। और कभी घर में दिक्कत नहीं आती, जैसे पापा ऐसे काम करते हैं आपकी स्टडीज इफेक्ट होती हो? नहीं, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, बल्कि हम सारी फैमिली पापा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और हमारी सारी फैमिली एक रिकॉर्ड होती है। बे औलाद जोड़ियां दे लई वरदान मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर। गर्भ दा ना ठहरना जियां बीमारियां दा शर्ती इलाज। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना रहन सहन इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50-60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मेडिकोम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।